नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। देश भर में विगत सालों से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत त्योहारों पर्वों पर पाबंदियां जारी है और मोहर्रम का पर्व जो ज्यादातर ताजिया सवारियां और जुलूस के चलन से लोगों में मोहर्रम की तैयारियां होती रही जो अब थम सा गया है। अधिकांश हिस्सों में मजलिस, महफिल, तकरीरें, हदीस और करबला के बयान हुआ करते रहे जो विगत सालों से इन सब पर पाबंदियां हैं। ऐसे में कटनी मदरसा बरकाते गोश के नाजिम प्रबंधक अल्लामा मौलाना हाजी सैयद हफीजुर रहमान कादरी साहब से और रोशनंग मदरसा संचालक अल्लामा मौलाना मुनीर खान कादरी ने अपनी बात रखी और आवाम को सरकार के नियमों कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने की बात कही और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया, शुक्रिया कहा कि कैलेंडर मुताबिक 19 अगस्त की छुट्टी मुहर्रम पर्व पूर्व घोषित को वास्तविक तारीख 20 अगस्त को करने पर धन्यवाद, शुक्रिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का जताया। रोशनी का नजारा शहर में मध्य क्षेत्र नगीना मस्जिद और झर्रा टिकुरिया सहित अन्य मस्जिदों में देखने योग्य होती है जो अब धीमी सी हो गई है। कार्यक्रमों का कहीं कोई आयोजन नहीं तो सब सुना और शांत सा नजारा है। संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी, कटनी। जैसा कि मुहर्रम है, पिछले 2 साल पहले जो मुहर्रम था, अब मैं कितना फर्क महसूस कर रहा हूँ और अभी अपने शहर के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये तो एक बड़े अफसोस की बात है कि पहले बड़े जोर व शोर के साथ जिस तरह हम मुहर्रम मनाते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब हमारे मुल्क में जो कोरोना वबा फैली हुई है और अभी भी मुकम्मल तौर से इस पर काबू नहीं पाया जा सका, तो उन तमाम बातों को लेकर के शासन और प्रशासन ने जो गाइडलाइन दिया है, उस गाइडलाइन के हिसाब से हमें और आपको काम करना चाहिए। जैसा कि अपने घरों में रह कर के इबादत करना, नमाज़ों की पाबंदियां घरों में रहकर करना और भीड़ वगैरह से हम बचें, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं और उस मुल्क के कानून को फॉलो करना ये पैगाम नबी भी है और यही वजह है। और जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें जो हमारी जहन साजी की है और हमें बताया है, ये पैगाम दिया है अपने नाना की उम्मतियों को कि तुम जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की उस कानून को आप माने, अगरचे वो कानून शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो तब, और हक के लिए आप आवाज़ उठाते रहें, और बातिल को किस तरह मिटाया है इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कि उन्होंने हक के लिए अपनी गर्दन कटाई, अपनी शहादत दे दी, अपने बच्चों की शहादत दे दी और जुल्म के ख़िलाफ़ इमाम अर्श मकाम लड़ते रहे और लड़ते लड़ते आप शहीद हो गए और ये पैगाम दे करके गए कि हमेशा सच पर अमलो पहरा रहें। इंशाअल्लाहुल्लज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी अता फरमाएगा। क्या नाम है आपको? मौलाना मुनीर अहमद रज़वी, कटनी। मुहर्रम के ताल्लुक से जैसे कि गुज़श्ता सालों में कार्यक्रम होते थे, 3 साल पाबंदियाँ हैं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत, तो अब कैसा कार्यक्रम हो रहा है या नहीं हो रहा, या क्या संदेश देना चाहेंगे आवाम के लिए आप? मुहर्रम के ताल्लुक से भी लगातार 20 साल तक इस मस्जिद में तो मैं प्रोग्राम करता रहा हूँ, लेकिन अभी गुज़श्ता साल और इस साल प्रोग्राम नहीं हो पाया कोरोना काल की वजह से। चूँकि एक वबा है, बीमारी है और गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, कुछ पाबंदियाँ हैं, तो चूँकि ये पाबंदियाँ हमारे हक में हैं इसलिए पाबंदी को फॉलो करते हुए हम लोगों ने कोई प्रोग्राम नहीं किया और करना ऐसा ही चाहिए था। रही बात मुहर्रम की, तो मुहर्रम तो हमारा एक मुकद्दस महीना है और उसमें बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसका हम एहतराम करते हैं और उन्हीं बातों को कुरान और सुन्नत और तारीख के हवाले से हम बयान करते थे ताकि लोगों को एक अच्छा रास्ता, अच्छा दिशा मिले। सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो कुर्बानी है वो जग जाहिर है और आपकी कुर्बानी से रहती दुनिया तक लोगों को सबक मिलता है और इंशाल्लाह मिलता रहेगा। यजीद भी था और हुसैन भी थे, यजीदी नज़रिया भी आज कायम है और हुसैनी नज़रिया भी है। असल में आपकी जो कुर्बानी थी, एक तहरीक थी, वो आज भी है और इंशाल्लाह ताला कल तक रहेगी। आज भी बहुत से हुसैनी हैं जो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की सोचो फ़िक्र को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत से यजीदी हैं जो यजीद के कारनामों को और यजीद की बेहूदगियों को फैला रहे हैं। ये दुनिया है, दुनिया में खैर और शर, अच्छा और बुरा दोनों रहते ही हैं और दोनों की जंग जारी है और ये सिलसिला जारी रहेगा।
जो लोग हुसैनी रास्ते पर चल रहे हैं बेशक उन पर अल्लाह का इनाम है, और जो लोग यजीदी रास्ते पर चल रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं और अल्लाह बचाए। हाँ, वैसे हम कह सकते हैं कि आशूरा की जो हमारी नमाज़ है वो कल जुमा है और आशूरा भी कल ही को है, तो हमारे जुमा की नमाज़ भी होगी, आशूरा की नमाज़ और इंशाल्लाह दुआ भी वो जुमा के वक्त में ही अदा की जाएगी। हाँ, मुझे पता चला और खुशी हुई कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कैलेंडर के एतबार से 19 तारीख की छुट्टी थी, लेकिन चांद के एतबार से 20 तारीख को आशूरा पड़ रहा था, तो उन्होंने 20 तारीख की छुट्टी को डिक्लेयर किया। इससे हमें खुशी हुई और हम अपने मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देते हैं।